हेलो एवरीवन, माय नेम इज नमन गोयल एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 15 ऑफ क्लास 7 विजुलाइजिंग सॉलिड शेप्स। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है ना, दो तरीके की शेप्स होती हैं। एक तो होती है टू डायमेंशनल और एक होती है थ्री डायमेंशनल। टू डायमेंशनल जो अपन प्लेन फिगर्स बोलते हैं, जो अपन एक प्लेन में बनाते हैं, और थ्री डायमेंशनल जो हमें दिखती है। जैसे ये हमारे पास क्या है, एक थ्री डायमेंशनल शेप है, ठीक है। ये क्या है, एक थ्री डायमेंशनल शेप है जिसको अपन आप देख सकते हो, राइट, हाथ में पकड़ सकते हो। जिस शेप को आप हाथ में ले सकते हो वो क्या होती है, थ्री डायमेंशनल शेप होती है, राइट, ठीक है। तो देखो थ्री डायमेंशनल शेप कौन कौन सी होती है, पहले अपन बात करते हैं सिलेंडर की, ठीक है। जैसा कि आपको दिख रहा है कि ये जो शेप है चौक का, दिस इज द शेप ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो अगर मैं बनाऊँ इसको तो ये ऐसा होता है ना। अब देखो थ्री डायमेंशनल शेप को अपन 2D में भी बनाते हैं, मतलब प्लेन पे बनाना पड़ेगा अपने को, तो अपन ऐसे बनाते हैं, जैसे अपने सिलेंडर को ये बना दिया, ठीक बात। दूसरा है हमारे पास स्फीयर, स्फीयर क्या होता है, बॉल, जो बॉल का शेप जो होता है वो होता है हमारे पास स्फीयर, है ना, बॉल का शेप। अगर अपन यहां पे बनाना चाहें 2D में तो इसको अपन ऐसे दिखा देते हैं ना, ये क्या है, एक बॉल है, बॉल का शेप क्या होता है, एक स्फीयर होता है, ठीक है। अगला है क्यूब, ठीक है, ये था हमारे पास स्फीयर, और फिगर्स बनाते हैं ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट फिगर इज क्यूब। देखो क्यूब को हम कैसे बनाते हैं 2D में, देखना ध्यान से। पहले एक स्क्वायर बनाया हमने, ठीक है, फिर यहां पे ऐसे, ठीक है, दिस इज अ क्यूब, ठीक है। ये हमने 2D में बनाया ना, राइट, इसको ऐसे भी दिखा देते ना, ठीक है। ये है हमारे पास क्या, क्यूब, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास क्यूब। नेक्स्ट इज क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या होता है, देखो क्यूबॉइड में ये ट्राइंग रेक्टेंगल बनाया हमने। देखो क्यूब जो था वो स्क्वायर से बना था, क्यूबॉइड रेक्टेंगल से बन जाएगा, बनाने का तरीका सेम है। ये क्यूब, क्यूबॉइड, ठीक है। अगला है कोन, ठीक है। नेक्स्ट इज कोन। देखो आइसक्रीम का जो कोन होता है वो कोन की शेप का होता है, तभी उसका नाम दिया होता है आइसक्रीम कोन, ठीक है ना। तो कोन होता है ऐसा, ठीक है, जोकर हेड भी अपन कोन को बोल सकते हैं, ठीक है। अगला है पिरामिड, ठीक है। पिरामिड देखो क्या होता है ना, पिरामिड रेक्टेंगल है, ठीक है। अब यहां पे कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट को इससे जोड़ दिया, इस पॉइंट को इससे जोड़ दिया, इस पॉइंट को इससे जोड़ दिया, तो ऐसे रेक्टेंगल मिल गए अपने को, ये क्या हो गया, पिरामिड। तो इसको अपन ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है। ये ऊपर की साइड निकला हुआ है ना, ये क्या हो गया, पिरामिड। अच्छा ये जो हमने देखा है ये क्या थी, सारी 3D फिगर्स, मतलब ये जो फिगर्स थी हमारी, ये कौन सी थी, सॉलिड फिगर्स। अब जैसे प्लेन फिगर्स तो आपको पता ही है ना, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, सर्कल, क्वाड्रिलेटर, ये सारी क्या होती है, प्लेन फिगर्स होती है, ठीक है। अब देखो बात करते हैं फेसेस, एजेस एंड वर्टेक्स, ये क्या होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये हमारे पास एक क्या है, क्यूबॉइड है, ठीक है। इसमें फेसेस, एजेस और वर्टेक्स का मतलब क्या है, फेसेस क्या होते हैं, ये जो फेस, ये जो है, ये इसको अपन बोलते हैं फेसेस। तो कितने फेसेस हैं क्यूबॉइड के बारे में, अगर मैं बात करूं क्यूबॉइड के बारे में, तो पहले बात करते हैं फेसेस की, फिर बात करेंगे एजेस की, और फिर बात करेंगे वर्टेक्स की, ठीक है। तो फेसेस कितने देखते हैं एक बार, है ना, ये रहा एक फेस, ये रहा, ठीक है, नाम लिख देते हैं। देखो वन, दिस इज वन, ठीक है, वन, इसके एक पीछे वाला टू, ठीक है, एक ये थ्री, एक इधर वाला फोर, ठीक है, एक इधर वाला ये फाइव, और एक इधर वाला ये सिक्स, ठीक है। तो सब फेसेस में नाम आ गया है, तो कितने फेसेस हैं इसके, सिक्स फेसेस। एजेस देखो, एजेस, एजेस कितनी है, ये जो लाइंस हैं ये सारी क्या है, एजेस। तो ऊपर देखो यहाँ पे कितनी लाइन दिख रही है आपको, एक दो तीन चार, चार पीछे दिख रही है, एक दो तीन चार, तो आठ हो गई, पांच
छः, सात, आठ। आठ तो ये देखो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12। तो कितनी एजेस हैं इसके पास? 12। ठीक है, वर्टेक्स होते हैं ये कॉर्नर्स। सो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। सो 8 कॉर्नर्स आर देयर। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास फेस, एजेस एंड वर्टेक्स। अच्छा, सेम कहानी क्या है क्यूब के लिए भी होगी ये। ठीक है, सेम इज फॉर क्यूब, क्योंकि क्यूब का शेप सेम सा है, बस थोड़ा साइड लाइन में फर्क है बस। तो कितना हो जाएगा, फेसेस कितने हैं? 6, एजेस आर 12 एंड वर्टेक्स आर 8। ठीक है, सेम क्यूब के लिए। अच्छा, नेक्स्ट है, राइट डाउन। नेक्स्ट इज नेट्स बिल्डिंग फॉर सॉलिड शेप्स, फॉर 3D शेप्स, बिल्डिंग 3D शेप्स। ठीक है, देखो इसमें क्या है, जैसे मान लो मेरे पास ये एक क्यूबॉइड है, ठीक है, छोटा सा है, ऊपर का इसमें है नहीं, है ना, बिना ऊपर का है। तो देखो, इसको अगर मैं फाड़ दूँ यहाँ से, यूँ इसको अगर मैं रिमूव कर दूँ यहाँ से, ठीक है, तो ये जो है, अच्छा इसके आगे एक और होना चाहिए ऊपर के लिए, यहाँ से ऊपर के लिए एक और होना चाहिए, उसमें है नहीं। तो ये जो हमें फिगर दिया हुआ है, ये जो हमें दिया हुआ है, ये क्या है, नेट है। इससे अपन क्यूबॉइड बना सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे स्क्वायर के लिए होता है। ठीक है, अच्छा कोन के लिए देखो क्या होगा, ये कोन है हमारे पास, है ना, तो ये नीचे से हमने इसको हटा दिया, तो कोन के लिए होगा ऐसा। ठीक है, इसको ऐसे रोल करेंगे इसके ऊपर, ये बीच में लगा हुआ है, कर लेंगे ना, कर लेंगे। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्या, कि 3D शेप्स क्या होती हैं, अपन कैसे उनको इंटरप्रेट करते हैं और कैसे अपन उनके नेट से हम उनको बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे ड्राइंग सॉलिड शेप और अ फ्लैट सरफेस। जैसे हमने सॉलिड शेप, ये कोन को अपन ने फ्लैट सरफेस पे बनाया है, तो ये हम कैसे बना पा रहे हैं ये अपन सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो जब तक के लिए पढ़ते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।